हम सिमटते गए उनमें और वो हमें भुलाते गए, हम मरते गए उनकी बेरुखी से और वो हमें आजमाते गए। सोचा कि मेरी बेपना मोहब्बत देखकर सीख लेगी वफाएं करना, पर हम रोते गए और वो हमें खुशी खुशी रुलाते गए। मर्द को अपनी एक चीज कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। गौर तलब, इस दुनिया में कोई किसी को कुछ भी नहीं देता मुफ्त में, मगर कुछ प्रजाति के जीव, कुछ आदमी ऐसे हैं जो अपनी एक महत्वपूर्ण चीज अक्सर दे देते हैं और उसके बाद सालों बाद सोचते हैं कि क्या इससे नजदीकी फायदा हुआ या दूर का भारी भरकम नुकसान। जो नुकसान जो उसका रिपेंड 29 साल की उम्र में रियलाइज होता है कि अरे ये क्या बर्बाद हो गया। जब गोटे मुंह के अंदर आ जाते हैं और बॉस का फोन आता है 15 मिनट के अंदर ऑफिस पहुंच जा, या फिर घर बैठे बैठे अभी कभी वहां मेल कर, प्राइस ले, ये कर, कोटेशन भेज, मार्केटिंग कर, वहां से यहां भेज, जो मर्जी कर, मुझे काम करके दे या फील्ड पे भेज देता है, तब पता लगता है यार जिंदगी तो बहुत क्रूअल थी। माँ बाप के पैसों से या घर वालों से पैसा लेकर काम करना तो बड़ा आसान था, बोलना भी बहुत आसान था, अरे तुमने मेरे लिए कराई क्या है, पापा आपके बस की कुछ नहीं है, आप मेरे को इतने कम पैसों में कैसे होता है, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, और असल में कुछ भी नहीं हुआ। 30 साल की उम्र में जब रियलाइज होता है तब पता लगता है एक चीज पूरी तरह जा चुकी है। दोस्तों आज के इस वीडियो में यही बताऊंगा, इस मोटिवेशन वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, बोलने वाले और कम बोलने वाले लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूं, देखते रहना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों एक निशांत नाम का लड़का होता है, वो अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेली ऑफिस के बाहर, जो उसी के ऑफिस में काम करती थी, डेली कुछ ना कुछ खाने पीने निकल लेता था। कई बार उसकी गर्लफ्रेंड के पास पैसे होते हुए भी वो खर्च नहीं करती थी, मगर निशांत इस चीज से बेरुख, कोई टेंशन नहीं, आज ये खिला रहा हूं कल वो खिला रहा हूं, और मजे से अपनी लाइफ को काट रहा था। जैसे जैसे करते करते उम्र 28-29 की आने लगी, एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड बोली, बेबी मुझे ना घर जाना पड़ेगा, घर तो दूर है। चलो जी, वो जॉब दिल्ली में कर रहे हैं, घर तो है भैया बनारस में। अब ऐसे में निशांत बोला, अच्छा कब तक आ जाओगी। गर्लफ्रेंड बोली, अभी आ जाऊंगी 2-4 दिन में, तुम टेंशन मत लो। चली गई जी। चलो जी, रेलवे स्टेशन छोड़ आए गर्लफ्रेंड को, चली भी गई, फोन पे डेली बात भी हो रही है, बहुत अच्छे से चल रहा है। 3 दिन बाद अचानक फोन आने बंद, फोन स्विच ऑफ और फोन लगे भी ना। अब ऐसे में निशांत बेचारा बड़ा परेशान, यार हुआ क्या है, इसने फोन स्विच ऑफ कर दिया, आज तक कभी करा नहीं, चलो फेसबुक पे मैसेज करके देखता हूँ, इंस्टाग्राम पे मैसेज करके देखता हूँ, मेल करके देखता हूँ, सारी कोशिश कर डाली, मगर उसके तो कोई रिप्लाई आ नहीं रहा, क्या हुआ मेरे को तो, अरे यार शिट, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो बनारस में रहती कहाँ है, भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। बहुत परेशान परेशान परेशानी से जूझता हुआ निशांत अगले दिन ऑफिस गया। दिमाग की बत्ती चली गई, हाँ साला इसका लैंडलाइन नंबर तो दिया होगा इसने ऑफिस में। दोस्त को बुलाया, भाई पता कर देना, और दोस्त ने कहा, भाई बात क्या हो गई, अचानक क्यों पता करवा रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, क्या हो गया, सब ठीक है ना। कहता, हाँ भाई सब ठीक है, तू टेंशन क्यों ले रहा है, तू बस पता कर दे यार इसका लैंडलाइन नंबर क्या, मेरे को ना एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। और उसने कहा, अच्छा कोई चक्कर तो नहीं है भाई, कहीं छोड़ के तो नहीं चलेगी भाई। उसने कहा, यार नहीं ऐसा नहीं है, जस्ट बस ये है कि मेरे को उससे बात करनी है और उसका फोन नहीं लग रहा, शायद कहीं बिजी होगी, कुछ और बात होगी, या फोन टूट टूट गया होगा, घूम गया होगा, या फिर वो ठीक है कि नहीं है, एक दोस्ती के नाते, एक गर्लफ्रेंड होने के नाते इतना तो जानना बनता है ना। कहता, हाँ बॉस बात तो सही है तेरी, बिल्कुल सही है। अब ऐसे में उसने अपने फोन से खूब सारे कॉल करे, मगर लैंडलाइन में कोई उठाए ना। अब ऐसे में परेशान निशांत ने अपने उसी दोस्त को बोला कि तू कॉल कर दे भाई मेरे लिए प्लीज। दोस्त ने कहा, मैं कर देता हूँ यार, क्या दिक्कत है, कॉल फ्री है साला, क्या दिक्कत है, ला अभी दे। उसने भी 2-3 कॉल करी और कॉल का कोई रिप्लाई नहीं आया। चलो जी, निशांत ने मुंह लटकाते हुए अपना घर चला गया। अब 2 घंटे बाद निशांत के दोस्त को कॉल बैक आया उसकी गर्लफ्रेंड के घर से, हाँ जी कौन। निशांत का दोस्त बोला, हाँ एक्चुअली निशांत को बात करनी थी और उसने कॉल करा था। कौन निशांत, यहाँ तो कोई निशांत नहीं रहता। नहीं, बात नेहा से करनी थी, और वो निशांत की गर्लफ्रेंड है, आप तो दोनों का दिल्ली में काफ़ी टाइम से जानते हैं एक दूसरे से, और दोनों बात करना चाह रहे थे, और उसका फ़ोन, उसकी तो जी शादी हो रही है। अब निशांत का दोस्त ये बात सुन के तो हिल गया,
अरे साला इसको बताया तो ये तो पागल हो जाएगा, ये तो बहुत प्यार करता है उससे, अब कैसे जिएगा, कैसे परेशानी होगा। उसका दोस्त बोला, ऐसा कैसे हो सकता है यार, वो तो उससे बहुत प्यार करती थी और वो भी उससे करता है बिना कुछ बताए। इनकी तो काफ़ी टाइम से बात चल रही थी शादी.com पे और हो गया रिश्ता। वैसे मैं आपको बोल दूं, आप आज के बाद दोबारा कॉल मत करना, नहीं तो आपके नाम का FIR करा देंगे। निशांत के दोस्त की फट गई, उसने फटाफट फोन काट दिया। अब उसके पास दो रास्ते थे, या तो अपने दोस्त को कुछ भी ना बताता, मगर उसने सोचा क्यों ना उसको बता दिया जाए, वरना सारी जिंदगी वो इसी भरम में रहेगा। उसने अपने दोस्त निशांत को कॉल करा और छूटते ही बोल दिया, यार ऐसे ऐसे हुआ, उसका कॉल बैक आया। वो कहता, अच्छा क्या कहती है वो, उसका फोन क्यों स्विच ऑफ है, क्या प्रॉब्लम होगी। कहता, यार उसकी शादी हो रही है। कह रहा, पागल है क्या साले, उसकी शादी नहीं हो सकती। भाई उसकी शादी हो रही है यार, उसकी शादी हो रही है, नहीं हो सकती, वो किसी और से नहीं कर सकती, उसकी हो रही है यार, उसकी शादी हो रही है, वो शादी कर रही है और बहुत खुश भी लग रही थी, उसके घर वाले के हिसाब से वो बहुत खुशी लग रही थी, वरना एक बारी तो वो तेरे फोन पे आती ना, जब कॉल बैक आया तो जाहिर सी बात है उसने कॉल करवाया होगा, वरना लैंडलाइन पे कौन कॉल बैक करता है यार। वो तेरे को फेस नहीं करना चाहती यार, एक बारी दोबारा फोन करना, कॉन्फ्रेंस पे लेना, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। निशांत के दोस्त ने बोला, बेटा एक बात याद रखियो, टाइम से ना तू पैसा तो कमा सकता है, मगर पैसे से ना तो टाइम को नहीं खरीद सकता। जिस लड़की के लिए तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है ना, वो आगे जा चुकी है, अब इसके बाद का टाइम तू और वेस्ट करेगा उसके पीछे भागकर, क्योंकि उसने वापस तो आना नहीं, और आना होता तो अब तक तुझ पे आ चुकी होती। यकीन मान, तेरे पास दो रास्ते हैं, या तो उसको भूल जाए, उसके घर चले जा। अगर तू उसके घर जा रहा है तो मेरी नज़रों से भी गिरने वाला है, क्योंकि मैं तो ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करता जो अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे कुत्ते की तरह भागते हैं। तेरी मर्जी है, जो तेरे को रास्ता सही लगता है वो रास्ता ले लियो और मुझे बता दियो, और अगर उसके धुमछल्ला बनके उसका कुत्ता बनकर ही जाना है और उसकी शादी में शामिल होना है तूने, बिन बुलाए शामिल होना है, तो शौक से जा, मगर मैं इस चूतियाबंती का हिस्सा नहीं बनूंगा दोस्त। मैं तेरा दोस्त हूं, तेरा भला ही चाहूंगा, और तेरा प्यार सस्ता सच्चा होगा ना तो अपने आप तेरे पास वापस आएगी, नहीं तो एटलीस्ट रिग्रेट करती तो वापस आएगी। निशांत ने कहा, ठीक है यार तू सही कह रहा है। कम से कम 20 दिन तक वो बिना बात के रोता रहा, खूब सारी शराब पी और टेंशन हुई, ओए होए अब तो जिंदगी गुजारा नहीं, जिंदगी भर किसी से शादी नहीं करूंगा, बहुत परेशान रहूंगा, सारी जिंदगी अकेला रहूंगा, सारी औरतें बेवफा होती है, इनके लिए टाइम नहीं वेस्ट करना, आज की जिंदगी में मैं सिर्फ काम पे फोकस करूंगा, बहुत टेंशन में रहा, लड़की जात से ही नफरत हो गई है। 15 दिन बाद ऑफिस में दूसरी लड़की आई और 2 दिन लगे उसको अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को बोलने में, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अच्छे से फिर से बात हुई, मगर इस बार उसके अंदर इतनी मैच्योरिटी आ चुकी थी कि जब वो खाना खाने जाता था तो उसने पहले ही बोल दिया, एक बारी मैं पे करूंगा बेटा, एक बारी तुम, बराबर का होगा। भोले भाले है मगर बेवकूफ नहीं है, कम बोलते हैं मगर चलाकी की बात करते हैं। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चाणक्य नीति और चाणक्य नीति हिंदी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।